हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव पर। तो जैसा आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर ट्रिक्स। जी हाँ, मैं श्वेता आपको सिखाने जा रही हूँ कैलेंडर के रिलेटेड क्वेश्चंस में कैसे ट्रिक्स लगा के हम सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पे कैलेंडर का क्वेश्चन जो है वो तो आना ही होता है। और जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है, ट्रिक सिखा रही हूँ, करना है, सेकंड्स में निकल जाएगा और आपके पास टाइम ही टाइम होगा अगला क्वेश्चन करने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले, अभी दिवाली निकल के गई है तो दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे फटाफट से कमेंट में बताना कि आप सबकी दिवाली कैसी रही। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन से। इफ टुडे इज ट्यूजडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 46 डेज। कहते अगर आज ट्यूजडे है, तो 46 दिनों के बाद कौन सा डे होगा वीक का। सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो गिवन नंबर होता है, जैसे यहां पे 46 है तो 46 को हमें डिवाइड करना होता है 7 के साथ। अब 7 के साथ क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। और यहां पे हमें पूछा गया है कि कौन सा डे है, सो हमें 7 के साथ डिवाइड करना होता है गिवन नंबर को। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो 46 को जब हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 42 एंड द रिमाइंडर इज 4। तो यहां पे जो रिमाइंडर है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, हमें क्वेश्चन को नहीं देखना है, हमें देखना है रिमाइंडर को। सो जो गिवन डे होगा, जैसे कि आज ट्यूजडे बताया गया है, उस दिन में हमें रिमाइंडर ऐड करना है। ओके, सो यहां पे रिमाइंडर जो है वो है 4। सो ट्यूजडे में जब हम 4 को ऐड करेंगे, यानी कि हमें यहां पे 4 दिया है तो 4 डंडियां लगा लेंगे। ट्यूजडे प्लस 4 डंडियां, यहां पे ट्यूजडे प्लस 1 वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ऐसे हम आंसर निकाल लेंगे कि आंसर होगा सैटरडे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम है, लेट्स ट्राई इट। सो सबसे पहले यहां पे दिया गया है इफ टुडे इज मंडे, कहते हैं अगर आज मंडे है तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 350 डेज, 350 दिनों बाद कौन सा दिन होगा वीक का। सो जैसे कि मैंने बताया कि गिवन नंबर जो गिवन है उससे हमें डिवाइड करना है 7 के साथ, तो हियर वी गेट 50 पे चला जाएगा 350, और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो जब हम गिवन डे में रिमाइंडर को ऐड करेंगे जो कि हमारे पास है 0, तो हमारे पास दोबारा से मंडे आ जाएगा। सो 350 दिनों बाद भी मंडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा सेम है, देख लेते हैं करके। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। सो कहते हैं अगर आज मंडे है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो 61 को जब हम करेंगे डिवाइड 7 से, तो 8 पे गया 56 और हमारे पास बच गया 5। तो मंडे में जब हम 5 ऐड करेंगे, 5 डंडियां बना लेंगे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमारे पास आ जाएगा सैटरडे, आंसर होगा सैटरडे। देखा कितनी आसानी से फटाफट से निकल रहा है क्वेश्चन। तो आगे आएंगे और टाइप्स भी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 6 मार्च। अब यहां पे दो डेट्स गिवन है, कहते हैं अगर, अब टुडे की बात नहीं हो रही है, उन्होंने बताया कि 6 मार्च 2018 को अगर सैटरडे है, शनिवार है, तो देन व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 22 मार्च 2018। अब यहां पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पे जो सन है वो सेम है, 2018 की बात हो रही है दोनों डेट्स में, तो यहां पे मंथ भी सेम है। हमें ढूंढना है कि 6 को अगर सैटरडे है तो 22 को उसी महीने में, उसी साल में कौन सी तारीख होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 22 में से 6 को माइनस कर लेना है, तभी हमें पता लगेगा कितने दिन बच रहे हैं बीच में। जब 22 में से 6 को माइनस किया, हमारे पास बच गया 16। अब इस नंबर को, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 2 बच जाएगा। सो दैट मींस जो गिवन डे है दैट इज सैटरडे, सैटरडे में हम 2 को ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा संडे और मंडे, मंडे आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ, यहां पे टुडे की बात नहीं हो रही है, यहां पे हमें दिया गया है
एक पर्टिकुलर डेट और दूसरी डेट के बारे में हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि सबसे पहले देखना है क्या मंथ सेम है और क्या सन भी सेम की बात हो रही है। तो हमें क्या करना है, दोनों डेट्स को आपस में माइनस करना है और जो नंबर आया उसके साथ डिवाइड करना है 7 को, देन रिमाइंडर जो आएगा उसे गिवन डे में प्लस कर देना है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, करके देखते हैं। इफ इट वॉज ट्यूजडे ऑन 2 फेब 1993, then what was the day of the week on 28th Feb 1993? So यहाँ पे दिया गया है कि अगर 2 फरवरी 1993 को मंगलवार है, ट्यूजडे है, तो उस कौन से वीक का दिन होगा 28th Feb को, उसी मंथ भी सेम है फेब और सन भी सेम है, दैट इज 1993। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, डेट्स को माइनस, 28 माइनस 2 हमारे पास बचा 26। अब ये हमारे पास नंबर आ गया 26, उसे करेंगे 7 के साथ डिवाइड, तो वी विल गेट 3 पे गया 21 और बच गया 5। सो यहां पे गिवन डे जो है ट्यूजडे में रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, दैट इज 5, 5 डंडियां खींच ली। अब काटते जाएंगे वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो संडे हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। If it was Friday on 7th May 2021, then what was the day of the week on 18th June 2021? अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन। यहां पे क्या हुआ कि जो सन है वो तो सेम है और महीना जो है वो चेंज हो गया है। अब हमें देखना क्या है, यहां पे हमें देखना है कि मई में कितने दिन है, 7th मई से 18th जून तक, यानी कि मई की एंड होके जून की स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो यहां पे मई में हमारे पास कितने दिन होते हैं, हमारे पास मई में होते हैं 31 डेज। तो 31 डेज होते हैं, 31 में से सबसे पहले 7 को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 24, ठीक है। अब 24 में जून के 18 दिन भी है, तो 24 में 18 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। अब ये हमारे पास नंबर आ गया, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 7 के साथ जो कि पूरा पूरा कट जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। तो यहां पे फ्राइडे गिवन डे है, फ्राइडे में रिमाइंडर को ऐड किया जो कि है 0, तो हमारे पास आंसर आया फ्राइडे, यानी कि 18th जून 2021 को भी फ्राइडे होगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। सो नेक्स्ट यहां पे चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इट वॉज मंडे ऑन 5th अप्रैल 2021, then what will be the day of the week on 28th May 2021? तो सबसे पहले देखेंगे सन, सन जो है वो सेम है, महीना चेंज हो गया, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, राइट, 30 में से अप्रैल वाली डेट को 5 को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 25। अब मई के कितने दिन है टोटल 28, उस 28 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 8 5 13 और 53। सो अब 53 हमारे पास नंबर आ गया, 53 को वीक में कितने डेज होते हैं 7, उसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 7 7 49 बच गया 4, जो कि आ गया रिमाइंडर। गिवन डे कौन सा है, मंडे, मंडे में रिमाइंडर को ऐड किया जो कि है 4, यानी कि 4 डंडियां, और मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हमारे पास आंसर आ गया फ्राइडे। कितनी आसानी से निकल गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो टाइप है वो चेंज हो गई है, यहाँ पे सन जो है वो चेंज हो गया है, दैट इज 2006 की एक डेट दी गई है और 2010 की एक डेट दी गई है, जबकि डेट जो है वो दोनों जगह सेम दी गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सन लिख लेंगे सबसे पहले 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। तो यहां पे सबसे पहले देखना है कि जो 2006 की डेट दी गई है, दैट इज 1st जनवरी, यानी कि पूरा साल जो है वो काउंट होगा, पूरा साल आगे का पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे फेब ही इंक्लूड होगा। फेब की बात मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि हमें देखना है लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो यहाँ पे फेब जो है वो काउंट होगा 2006 में, 2006 जो है वो 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, तो ये जो है वो जनरल ईयर है। सबसे पहले देखेंगे कि इन सब सन में से कौन सा ऐसा सन है जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे है हमारे पास 2008, तो
तो ये हो गया हमारे पास लीप ईयर, और बाकी के सारे जो है वो जनरल ईयर है। अब यहाँ पे मैंने जनरल ईयर और लीप ईयर की बात क्यों की, तो जनरल ईयर में मैं बता दूं कि जनरल ईयर में हमारे पास होते हैं टोटल 365 डेज, और जब हम 365 डेज को 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 1 एज अ रिमाइंडर। सो 1 जो है वो ओड डे हो गया, इसको हम ओड डे भी बोल देते हैं। सो जनरल ईयर में ओड डे जो है वो 1 होता है, तो यहां पे हमने जहां जहां पे जनरल ईयर है वहां पे हम लिखेंगे 1। तो यहां पे 2006 जो है वो जनरल ईयर है, 1 आ गया, 2007 भी 1, 2008 को भी मैं स्किप कर रही हूं, अभी आपको बताऊंगी कि यहां पे क्या आएगा। 2009 जनरल ईयर है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और 2010 यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो डेट है वो दी गई है 1 जनवरी। यहाँ पे पूरा साल आगे वाला काउंट नहीं होगा, फेब भी नहीं आएगा, क्योंकि फेब की डेट्स जो है वही डिसाइड करती है ना कि लीप ईयर है या नहीं। फेब में जनरल ईयर में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, उसी से जो टोटल डेज होते हैं वो 1 एड हो जाता है लीप ईयर में। तो यहाँ पे लीप ईयर में हमारे पास टोटल डेज कितने होते हैं 366, तो यहाँ पे हम जब 7 के साथ डिवाइड करेंगे वी विल गेट 35 पे गया, 16 नीचे आ गया और 16 2 ऊपर गया, तो हमारे पास बच गए ऑड डेज 2। तो लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2, हमेशा याद कर रखना है, निकालने नहीं बैठना है। जनरल ईयर में ऑड डे होता है 1 और लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2, तो यहाँ पे 2008 पे आ जाएगा 2। तो जब हम यहां पे ऐड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इधर लिख के बता देती हूँ, 2006 जनरल ईयर 1, 7 भी जनरल ईयर, 8 जो है वो लीप ईयर है 2 आ जाएगा, 2009 1, और 2010 जो है वो काउंट नहीं होगा, वैसे तो जनरल ईयर है तो ये काउंट नहीं होगा, तो यहां पे मैं 0 लिख रही हूं। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 5। तो यहां पे जो गिवन डे है वो दिया गया है संडे, तो संडे में जब 5 ऐड कर देंगे यानी कि 5 डंडियां, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सेम इसी टाइप का है, तो चलो मैं ये कर देती हूँ आपके लिए, मैंने सोचा था आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, तो आप भी सॉल्व करके देखना हो जाएगा। तो यहां पे फ्राइडे दिया गया है 10 जनवरी को, डेट भी सेम नहीं है और सन भी सेम नहीं है। सो 2013 जो है वो पूरा काउंट होगा बिकॉज फेब अभी आना है, अगर मार्च दिया होता 10 मार्च 2013 दिया होता तो हमने काउंट नहीं करना था इसको, ठीक है। तो यहां पे 10th जनवरी 2013 है, 10th जनवरी 2013 राइट, 13 काउंट होगा, 2014 15, 16, 17 और 18 जो है वो भी काउंट होगा क्योंकि फेब जो है वो इंक्लूडेड है, तो यहां पे 2018 ये भी काउंट होगा। तो यहां पे 13 जो है जनरल ईयर, सबसे पहले देखेंगे लीप ईयर कौन सा है, तो लीप ईयर जो है वो 4 पे जो जा रहा है वो है 2016 और कोई भी नहीं जा रहा है, तो यही है सिर्फ लीप ईयर, बाकी सारे हैं जनरल ईयर। तो जनरल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 1 1, ये आ गया लीप ईयर 2016। ऑड डेज कितने, अभी मैंने आपको पीछे बताया 7 के साथ डिवाइड करके 2 होते हैं, तो 2016 में आ जाएगा 2, यहां पे 1 यहां पे 1, जब हम इन्हें ऐड करेंगे 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7, तो यहां पे आ जाएगा 7। तो 7 जब हम गिवन डे में ऐड करेंगे फ्राइडे प्लस 7, तो वी विल गेट द सेम डे दैट इज फ्राइडे। तो यहां पे 1st ऑफ मार्च 2018 को सेम डे होगा दैट इज फ्राइडे, ठीक है। अब ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि कैलेंडर के रिलेटेड थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जब व्यूज आएंगे कमेंट्स आएंगे मेरे वीडियोस पे तभी मैं ज्यादा से ज्यादा बना के आपको ट्रिक्स बताऊंगी ना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है, तो
मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ और वीडियोस कम बनाती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाती रहूं, ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको बताती रहूं, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपके लिए आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।